महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अभी तक शिरकत नहीं किए हैं। आज तो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि रब्बे कदीर ने जिस तरह से तमाम फरिश्तों की ड्यूटी को लगा रखा है, वैसे ही रब्बे कायनात ने कुछ फरिश्तों की ड्यूटी को ये लगा रखा है, जैसे ही रब्बे कायनात ने कुछ फरिश्तों की ड्यूटी को ये लगा रखा है। ए फरिश्ते तेरा काम है मेरे बंदों तक रिज्क पहुंचाना, ए फरिश्ते तेरा काम है रूह कब्ज करने का, ए फरिश्ते तेरा काम है कब्र के अंदर सवाल करने का। रब्बे कायनात ने कुछ फरिश्तों की ड्यूटी को लगा रखा है, इसी तरह से रब्बे कायनात ने कुछ फरिश्तों को ड्यूटी को लगा रखा है। ए फरिश्तों जाओ तुम रुए जमीन का चक्कर लगाओ, जाओ तुम रुए जमीन पर टहलो जा करके, जाओ रुए जमीन पर ढूंढो तुम जो है घूमो जा करके, रुए जमीन पर टहलो जा करके, देखो कौन से बंदे मेरा जिक्र कर रहे हैं, कौन से बंदे मेरी पाकी बयान कर रहे हैं। जैसे ही रब्बे कायनात फरिश्तों को हुक्म देता है, ये फरिश्ते रुए जमीन पर आते हैं, आने के बाद में जमीन का गश्त करने लगते हैं, जमीन पर टहलने लगते हैं, जमीन पर घूमने लगते हैं और तलाश करने लगते हैं। रब्बे कायनात के कौन से बंदे रब का जिक्र कर रहे हैं, रब के कौन से बंदे रब की पाकी बयान कर रहे हैं, रब के कौन से बंदे उसकी हमद कर रहे हैं। जब फरिश्ते तलाश करने लगते हैं, फरिश्ते ढूंढने लगते हैं, तो एक फरिश्ता देखता है कि चंद एक जगह पर चंद लोग बैठे हैं, उन्हीं में से कुछ जाकिरीन हैं, बाकी सामाइन हैं। जाकिरीन रब का जिक्र कर रहे हैं, सामाइन सुनकर सुभानअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, रब की पाकी बयान कर रहे हैं, उसकी हमदो सना कर रहे हैं। जैसे ही एक फरिश्ता देखता है, दूसरा वो फरिश्ता अपने साथियों को आवाज़ देता है, ए फरिश्तों ए मेरे साथियों, तुम जिसको तलाश कर रहे थे, तुम जिसको ढूंढ रहे थे, अब तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें जो है टहलने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से आओ, आने के बाद में अपनी मंजिल को पालोआ करके, जल्दी आओ आने के बाद में अपनी मंजिल को पालोआ करके। देखो रब्बे कायनात के बंदे रब का जिक्र कर रहे हैं, उसकी हमदो सना कर रहे हैं, उसकी पाकी बयान कर रहे हैं। जैसे ही एक फरिश्ता आवाज देता है, तमाम फरिश्ते जमा हो जाते हैं, यहाँ तक जमा होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर महफिल मीलाद हो का जिक्र हो रहा हो, जहाँ पर रब्बे कायनात का जिक्र होता है, जहाँ पर महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सजी हुई होती है, यहाँ से लेकर के अरसे आसम तक फरिश्ते के ऊपर फरिश्ता, उसके ऊपर दूसरा फरिश्ता, यहाँ तक के अरसे आसम तक फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं, और फरिश्ते अपने परों को फैलाए हुए हैं। महफिल में जितने लोग बैठे हुए हैं, सब फरिश्तों के परों के साए में बैठे हुए हैं। जब तक ये पद्म चलती है, फरिश्ते अपने परों को फैलाए रहते हैं, और महफिल में बैठने वाले उन्हीं फरिश्तों के परों के साए में बैठे रहते हैं। जैसे ही महफिल का अख्तिताम होता है, जैसे ही महफिल ख़त्म होती है, जैसे ही ये पद्म ख़त्म होती है, हम और आप जाते हैं, जाने के बाद में बिस्तर पर लेटते हैं। जैसे ही हम लेटते हैं, नींद हमें अपनी बाहों में भर लेती है, मगर जो ये फरिश्ते यहाँ पर हाजिर थे, अब ये रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद में मैं जैसे ही हाजिर होते हैं, मेरा रब फरमाता है, ए फरिश्तों तुम कहाँ थे, ए फरिश्तों तुम कहाँ थे, ए फरिश्तों तुम कहाँ थे। मेरा रब जानता तो ज़रूर है कौन सा बंदा मेरा कहाँ पर है, कौन सा बंदा क्या कर रहा है, कौन सा फरिश्ता इस वक्त क्या कर रहा है। मेरे रब्बे कायनात को सर्रे सर्रे की खबर है, खबर होने के बावजूद भी अब फरिश्तों से पूछ रहा है, ए फरिश्तों तुम क्यों कहाँ थे, ए फरिश्तों तुम कहाँ थे। तो पूछ इसलिए रहा है ताकि फरिश्तों को अपने बंदों पर गवाह बना सके। जैसे ही रब्बे कायनात फरमाता है, ए फरिश्तों तुम कहाँ थे, ए फरिश्तों तुम कहाँ थे, ए फरिश्तों तुम कहाँ थे, तो फरिश्ते बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज करते हैं, ए रब्बे कायनात, हम फला जगह थे, हम फला बस्ती में थे, वहाँ पर तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी पाकी बयान कर रहे थे, तेरी हमदो सना कर रहे थे। जैसे ही फरिश्ते करते कहते हैं, तो मेरा रब फरमाता है, ए फरिश्तों जरा ये तो बताओ, जो लोग मेरी पाकी बयान कर रहे थे,
उन लोगों ने क्या मुझे देखा है? तो बारगाहे रब्बुल इज्जत में फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए रब्बे कायनात, तेरे उन बंदों ने तुझे नहीं देखा है, बगैर तेरे देखे हुए तेरा दीदार कर रहे थे, तेरी पाकी बयान कर रहे थे, तेरी हमदो सना कर रहे थे, नबीयीन का जिक्र कर रहे थे, सालिहीन का जिक्र कर रहे थे, सौदा का जिक्र कर रहे थे। तो रब फरमाता है, ए फरिश्तों, अगर मेरे वो बंदे देख लेते तब तो बारगाहे रब्बुल इज्जत में फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए रब्बे कायनात, अगर तेरे वो बंदे तुझे देख लेते तो तेरा जिक्र अस्कार तेरी हमदो सना और ज्यादा करते, तेरी तस्बीह तहलील और ज्यादा करते। तो रब फरमाता है, ए फरिश्तों, जरा ये तो बताओ, उस महफिल में जो लोग हाजिर थे, उसमें जो लोग हाजिर थे जो मेरी हमदो सना कर रहे थे, वो लोग जो है किस चीज के मुतमन्नी थे, कौन सी चीज तलब कर रहे थे? तो बारगाहे रब्बुल इज्जत में फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए रब्बे कायनात, उस बस में जो लोग हाजिर थे जो तेरी हमदो सना कर रहे थे, जो हमदो सना कर रहे थे, तेरी पाकी बयान कर रहे थे, ए रब्बे कायनात, वो जन्नत के मुतमन्नी थे, वो जन्नत की तमन्ना लेकर के बजू में आए थे, वो जन्नत के मुतमन्नी थे। तो रब फरमाता है, ए फरिश्तों, जरा मुझे ये तो बताओ, क्या उन बंदों ने जन्नत को देखा है, जन्नत के महिलात को देखा है, जन्नत के बागात को देखा है? तो बारगाहे रब्बुल इज्जत में और बारगाहे रब्बुल इज्जत में फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए रब्बे कायनात, तेरे उन बंदों ने जन्नत को नहीं देखा है, तेरे महबूब के बताने से मान लिया है, और इसीलिए जो है तेरे बगैर देखे मान लिया है, और जो है तुझसे तेरी जन्नत के तलबगार थे। तो रब फरमाता है, ए फरिश्तों, जरा मुझे ये तो बताओ, ए फरिश्तों, जरा ये तो मुझे बताओ, उस लोग जो लोग बज़्म में हाजिर थे, जो हमदो सना कर रहे थे, वो जो है मेरी पनाह किस चीज से मांग रहे थे? तो बारगाहे रब्बुल इज्जत में फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए रब्बे कायनात, उस बज़्म में जो लोग हाजिर थे, उस बज़्म में जो लोग हाजिर थे, जो तेरी हमदो सना कर रहे थे, जो तेरी पाकी बयान कर रहे थे, ए रब्बे कायनात, वो जहन्नम से तेरी पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से तेरी पनाह मांग रहे थे। तो बारगाहे रब्बुल इज्जत में फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए रब्बे कायनात, वो तेरी हमदो सना कर रहे थे और जहन्नम से तेरी पनाह मांग रहे थे। तो मेरा रब फरमाता है, ए फरिश्तों, जरा ये तो बताओ, क्या उन लोगों ने जहन्नम की आग को देखा है, जहन्नम की काली आग को देखा है, जहन्नम के भड़कते हुए शोलों को देखा है? हजराते मोहतरम, बारगाहे रब्बुल इज्जत में फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए रब्बे कायनात, जो लोग बज़्म में हाजिर थे, उन्होंने जहन्नम की भड़कती हुई आग को नहीं देखा है, वहां की परेशानियों को नहीं देखा है, ए रब्बे कायनात, वो तुझसे तेरी पनाह मांग रहे थे। तो मेरा रब फरमाता है, ए फरिश्तों, तुम सारे के सारे गवाह हो जाओ, उस बज़्म में जितने लोग हाजिर थे, मैंने सबकी खताओं को माफ़ किया।